अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव 10। बिजनौर में नगीना से आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष एवं प्रत्याशी चंद्रशेखर आज़ाद की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई है। अब उनकी सुरक्षा में 6 पुलिसकर्मी उनके साथ रहेंगे। आज़ाद समाज पार्टी काफ़ी दिनों से चंद्रशेखर की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग कर रही थी। अब शासन ने उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय लिया है। हालांकि नामांकन के बाद से ही उनके साथ 2 पुलिसकर्मी लगातार रह रहे थे, लेकिन अब उन्हें 4 पुलिसकर्मी और मिलेंगे, जिसके बाद उनके 6 सुरक्षाकर्मी हो जाएंगे जो हर वक्त उनके साथ रहेंगे। बिजनौर में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जांच के बाद 12 पर्चे अधूरे पाए जाने पर निरस्त कर दिए गए हैं। जांच के बाद अब 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। भाजपा से चंदन चौहान, सपा से दीपक सैनी, बसपा से विजेंदर सिंह, जय समता पार्टी से अब्दुल बारी, मजलूम समाज पार्टी से फरमान, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया से राजपाल, मजदूर किसान यूनियन से रामधन सिंह चुनावी मैदान में हैं। निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में उतरने वालों में चंदन सिंह, जहीर, दीपक कुमार और मोहम्मद शहजाद अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। उन्हें उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में रात में जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जेल प्रशासन ने बताया कि मुख्तार अंसारी अचानक जेल में बेहोश होकर गिर गए, जिसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज भेजा गया था। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मऊ और गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। हम आपको बता दें कि मंगलवार को भी मुख्तार अंसारी की हालत बिगड़ी थी, जिसके चलते उन्हें 14 घंटे तक अस्पताल में रहना पड़ा था। कुछ दिनों पहले ही मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल ने दावा किया था कि उन्हें जेल में धीमा जहर दिया जा रहा है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है कि मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा जो आशंकाएं व्यक्त करते हुए आरोप लगाए जा रहे थे, उनकी उच्च स्तरीय जाँच होना जरूरी है ताकि उनकी मौत के सही तथ्य सामने आ सकें। बांदा के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए हैं। 3 डॉक्टरों का पैनल मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम करेगा। उसके बाद उनके शव को सड़क मार्ग से ही गाजीपुर लाया जाएगा। मुख्तार अंसारी की मौत पर पप्पू यादव ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसका स्वतः संज्ञान लें। उनके दिशा निर्देशों में निष्पक्ष जांच होनी जरूरी है। उन्होंने आगे लिखा है कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी की सांस्थानिक हत्या कानून, संविधान, नैसर्गिक न्याय को दफन कर देने जैसे हैं। हम आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी गाजीपुर में पैदा हुए थे। उनके 2 बेटे हैं, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी। मुख्तार के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके नाना ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी को महावीर चक्र विजेता का अवार्ड मिला था। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगते हैं। मुख्तार अंसारी 1996 में पहली बार मऊ विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने थे और लगातार 5 बार से इस सीट से चुनाव जीतते आ रहे थे। मुख्तार अंसारी और उनके परिवार पर 97 केस दर्ज हैं। अकेले मुख्तार अंसारी पर ही हत्या के 8 मुकदमों सहित 65 मामले दर्ज थे। 20 मार्च को मुख्तार अंसारी के वकील ने 19 मार्च को जेल में उनको खाने में जहर दिए जाने का आरोप लगाया था। 24 मार्च को लापरवाही के आरोप में जेल के 2 डिप्टी जेलरों को समेत 3 को निलंबित किया गया था। 25 मार्च को अचानक मुख्तार अंसारी के पेट में दर्द हुआ। 26 मार्च को उन्हें एम्बुलेंस के जरिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया और 26 मार्च को ही वापस उन्हें जेल में लाया गया। 27 मार्च को MP MLA कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। 27 मार्च को ही कोर्ट ने जेल प्रशासन से मुख्तार अंसारी की सेहत की रिपोर्ट मांगी थी। 28 मार्च को मुख्तार अंसारी को फिर से पेट में दर्द हुआ, जिसके बाद DM और SP भी जेल पहुंचे और रात में ही 8:15 बजे के करीब मुख्तार अंसारी को फिर से मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां रात में करीब 10:30 बजे प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की मौत की खबर को सार्वजनिक कर दिया और रात को ही उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। तो ये थे आज की कुछ खास खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी बिजनौर शहर की कुछ खास खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का पूरी तरह से ख्याल रखिएगा और देखते रहिए न्यूज़ लाइव 10। जय हिंद।